आज मैं बना रही हूँ बिना धूप में सुखाए ये लहसुन का अचार, जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट बनता है। और हेल्थ बेनिफिट्स तो आप सभी जानते हैं, लहसुन खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जिन्हें भी ये लहसुन का अचार पसंद है वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं केवल 10 मिनट में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अमेजिंग अचार बन के तैयार होता है। आप इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही में दी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लहसुन का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम लहसुन लिया है, जिसे हमने छील लिया है और धुल के सुखा लिया है। तो आप इसे धुल लीजिए और धुलने के बाद इसे गीले कपड़े से पूछ के पंखे के नीचे सुखा लीजिए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी इसमें रहा तो ये अचार ख़राब हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें अचार बनाते समय कि लहसुन बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें ज़रा भी नमी या पानी नहीं होना चाहिए। तो आप इसे कॉटन के कपड़े से पूछ के पंखे के नीचे सुखा दीजिए, या तो आप इसे 15-20 मिनट के लिए धूप लगा सकते हैं अगर आपके घर में धूप आती है तो। तो बस यहाँ पे हमने ये लहसुन तैयार कर लिया। अब चलते हैं हम इसका मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स जिन्हें हम सरसों के दाने कहते हैं, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राय दाना, 1 टेबलस्पून धनिया, साबुत धनिया लेंगे हम, 1/2 टेबलस्पून कलौंजी। सभी को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड सीड्स, इसे भी हम इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट के लिए ही हम इसे रोस्ट करेंगे, ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना। और अब इसे एक ग्राइंडर जार में डाल के कोर्स पाउडर बना लेंगे, मतलब इसे थोड़ा मोटा दरदरा ही रखें, ज़्यादा बारीक ना पीसें। तो यहाँ हम इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमने इसे पीस के तैयार किया, थोड़ा सा मोटा दरदरा पाउडर। अब हम क्या करेंगे, उसी पैन में मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, ये मैंने 3/4 कप लिया है। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक इसमें से धुआं नहीं निकले आप इसे पका लीजिए, और उसके बाद हीट ऑफ करके इसको थोड़ा ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद इसमें एक लहसुन डाल के देखें कि ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, तभी आप ये सारे लहसुन की कलियाँ इसमें डालें और आप हीट ऑन कर दें एकदम लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, बट इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये थोड़ा सा गल जाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, हम इसे बिना सुखाए बना रहे हैं तो हमें ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाइए, इससे इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और ये गल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का ये हो जाएगा, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। आप यहाँ पर हीट ऑफ कर देंगे। तो मुझे इसमें अभी ऑयल ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने 1/4 कप ऑयल यहाँ से निकाल लिया। अगर आपका परफेक्ट हो तो आप उसमें रहने दें। तो यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल निकाल के साइड में रख दिया। जो मसाला हमने तैयार किया उसमें से 2.5 टेबलस्पून मसाला इसमें ऐड करेंगे। हल्का सा ये गरम ऑयल है, तभी हम ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे, जिससे ये ऑयल में मसाला भी हमारा पक जाए। स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाएंगे। अचार डाल रहे हैं तो थोड़ा नमक मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा ही रहती है। 1.5 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक डाला है, थोड़ा सा यहाँ पे कलौंजी साबुत डाल देंगे, जिससे ये अचार में अच्छी लगती है। मैं थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, गर्म ऑयल में ये सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। तो सारे मसाले इसमें पकते हुए मिल गए हैं। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रहे हैं। अगर विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बिल्कुल भी अचार को ख़राब नहीं होने देता है। तो ये देखिए हमारा अचार बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी अचार बनके तैयार हुआ। आप इसे तुरंत से खाना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही में दी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।